असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा द्वारा राज्य में 1,00,000 रोजगार मुहैया कराए जाने के वादे के बीच मुख्यमंत्री का एक और फैसला राज्य भर में व्यापक चर्चाओं का विषय बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य भर में असम राज्य परिवहन निगम विभाग के 771 अस्थायी कर्मचारियों के अवैध नियुक्त बताकर बर्खास्त करने का जो फैसला लिया उसको लेकर असम राज्य परिवहन निगम विभाग के कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। साथ ही पूरे राज्य के असम राज्य परिवहन विभाग के अस्थायी कर्मचारियों द्वारा आज से अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल किया गया है। उनके इस हड़ताल कार्यक्रम में कर्मचारी यूनियन के साथ असम राज्य परिवहन निगम विभाग के स्थायी कर्मचारियों द्वारा समर्थन दिया गया। असम राज्य परिवहन विभाग के तिनसुकिया डिवीज़न में भी 83 अस्थायी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की बात सामने आने के बाद हाहाकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। इसलिए मीडिया के माध्यम से तिनसुकिया के इन कर्मचारियों ने राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा से एक विनम्र अनुरोध कर पुनर्विचार कर व्यवस्था ग्रहण करने का आह्वान किया है। সেইটো মই ভাবোঁ আৰু আমাৰ কৰ্মচাৰীখিনি যিখিনি অনুভৱ সেইটো ভাল কাম হোৱা নাই। এই সিদ্ধান্তটো ভাল সিদ্ধান্ত নহ'ল, অবিবেচক সিদ্ধান্ত এটা আৰু অবৈধভাৱে এই কামটো কৰা হৈছে। চৰকাৰে কি হিচাপে কেনেকৈ কৰিছে সেইটো আমাৰ সেইটোতো আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিতো নহয়। কিন্তু আমি যিটো জানো এতিয়ালৈকে আজিলৈকে আমি যিটো গম পালোঁ আমাৰ মানুহখিনিক এটা অবৈধ নিযুক্তি হৈছিলে বুলি তেওঁলোকে দেখুৱাই আছে। আজি এই কৰ্মচাৰীখিনি আমাৰ অন্তত ইয়াত 15 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ চাকৰি কৰিলে। তেওঁলোকৰ বয়স এতিয়া 40-45ৰ ওপৰ, কোনো চাকৰি সংস্থাপন তেওঁলোকে নাপায়। প্ৰথম কথা তেওঁলোক সোমাওঁতেই তেওঁলোকে ইয়াত য'ত সোমাইছিলে যেনেকৈ তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ হৈছে, তেওঁলোকৰ নিযুক্তি তেওঁলোক ইণ্টাৰভিউ দি হৈছিলে। এতিয়া আমাক লেটেষ্ট যিটো খবৰ দিছিলে যে তেওঁলোকক বৰ্খাস্ত এইটো কাৰণে কৰা হ'ল যিহেতু পেপাৰত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিয়া হোৱা নাছিলে,